महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती केली नसती तर आम्ही स्वबळावर सत्तेवर आलो असतो. मात्र शिवसेनेने आम्हाला धोका दिला. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांची शिवसेनेवर टीका. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांची शिवसेनेवर टीका. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती केली नसती तर आम्ही स्वबळावर सत्तेवर आलो असतो. मात्र शिवसेनेने आम्हाला धोका दिला. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी शिवसेनेवर टीका केलेली आहे. ते सांगलीत पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत युती केली नसती तर भाजपा स्वबळावर सत्तेवर आले असते. मात्र शिवसेनेने आम्हाला धोका दिला, त्यामुळे त्यावेळी शिवसेनेसोबत युती करायला नको होती, असं मतही मौर्य यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. अजित पवारांच्याबाबत बोलताना म्हणाले की अजित पवार भेटले यात चुकीचं काही नाही, कोणी कोणालाही भेटू शकतो. आता राहुल गांधीही भेटत असतात, त्यामुळे नेते एकमेकांना भेटत असतात, यात काही गैरपणा नाही, असं म्हणत अजित पवारांच्याबाबत जास्त बोलणं टाळलेलं आहे. पार्टी का जो भी निर्णय है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और महाराष्ट्र के हित को ध्यान में रख करके गठबंधन में था उस समय. महाराष्ट्र के चुनाव के समय हमें गठबंधन नहीं करते तो हमारा अकेले दम पर बहुमत महाराष्ट्र में आता, लेकिन हमने शिवसेना से गठबंधन किया और शिवसेना ने गठबंधन के साथ धोखा किया. उन गए मतलब अपने विचारधारा के एकदम विपरीत ध्रुव के लोगों के साथ चले गए, जिनके साथ भले सत्ता ना मिलती लेकिन नहीं जाना चाहिए था. अगर वो गए तो उन्होंने पाप किया और पाप किया तो उसकी सजा जनता ने दिया है. देखिए हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं है. जाति जनगणना की जो बात करते हैं वह स्वयं जाति न्याय करने का उनके पास हिम्मत नहीं है. और जाति जनगणना की बात करने वाले अगर जाति न्याय किए होते तो जाति जनगणना की बात नहीं करनी पड़ती. जिन्होंने देश में 60 साल शासन किया, देश को बर्बाद किया, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया, देश के बड़े भूभाग को चीन के हाथ गंवाने का काम किया, देश की राजनीति को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का काम किया, उनको इस प्रकार की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है. माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के अंतर्गत पूरे आंकड़े हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, बहुत डेटा है. 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया गया जिनके पास रहने का घर नहीं था. ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी सांगली.